हाय गाइस, तो गाइस आज बनाना सिखाएंगे आपके लिए पीवीसी पाइप से गुलेल। बहुत ही बेहतरीन गुलेल बनाएंगे इसको, और ये काफ़ी अच्छी गुलेल बनने वाली है। तो इसमें यूज करने वाले हम पीवीसी पाइप का, जो कि आधे इंच का बोलते हैं, आधा इंच पाइप है ये। और इसको मैंने 15 सेंटीमीटर की लंबाई में काटा है, और ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबाई ये वाला टुकड़ा। तो इस वाले टुकड़े में हमने इस लकड़ी को फंसाया, और ये लकड़ी क्या है कि इसमें फिट आनी चाहिए कुछ इस प्रकार से फिट आएगी। और क्या क्या हमने यहाँ पे कट बनाए, ये कट बनाए हैं दो। और इसको बनाने के लिए इसमें यूज करने वाले हैं इस रबर का। ये रबर आपको कहीं से भी मिल जाएगी, नॉर्मल शॉप से मिल जाएगी। ये कट किस काम में आने वाले, जैसे ही हम इधर से डालना है, और ये ऐसे लगा देना इस प्रकार से। क्या है कि हम किसी धागे या किसी अच्छी ऐसी चीज की मदद से इसको यहाँ पे बांध देंगे टाइट करके। चलो इसको पहले बांधते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज में लेने वाला हूँ फीचर का धागा, क्योंकि ये अच्छी तरह से बन जाता है इससे मजबूती से, इसलिए इसका यूज कर रहा हूँ मैं इसमें। हमने इसको पीछे के धागे से यहाँ पर और यहाँ पे बांध लिया, तो जिस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, इसको इस चीज को मतलब बिल्कुल ढक देंगे। तो यहाँ पे हम काला टेप लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे और यहाँ पे काला टेप लगा लिया, जो हमारी गुलेल है वो बिल्कुल बन के रेडी है। तो हम इसमें कांच की गोली, लोहे की गोली या कंकड़ी वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम यूज अच्छी तरह से यूज में ला सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए आप इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलो इसे चला के देखते हैं और इसको बताते हैं कि ये कैसे चलती है। तो वैसे तो इसको चलाना बहुत सिंपल है, आपको कुछ इसमें कुछ भी अपने हिसाब से डाल देना, कांच की गोली या कंकड़ी वगैरह, और इसको ऐसे खींचना है और ऐसे छोड़ना। तो काम आपका हमारी गुलेल बन के बिल्कुल रेडी है। और हम इसका टेस्ट करने वाले हैं। तो हम इसमें यूज में लेंगे वो जो हमने स्लिंगशॉट बनाई थी, उस बारे से जो गुलेल बनाई थी उसमें ये गोलियाँ यूज में ली थी कांच की। तो इसमें भी यूज में लेने वाले, चलो दिखाते हैं कैसे काम करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।